ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में भगवान ऋषभदेव जो अपनी शिक्षाएं, महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं अपने पुत्रों को और अपने नागरिकों को, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें वो कहते हैं, मत कर्म भीर मत कथयाम च नित्यम। मत कर्मभीर का मतलब होता है मेरे प्रति कर्म करना। आज हम लोग क्या करते हैं, जब हम अज्ञानी होते हैं तो हम अपने भौतिक कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कर्म करते हैं, जो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। हमारे स्वार्थ के लिए भगवत कर्म है। वही कर्म जब हम भगवान के लिए करेंगे तो इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, और वही कर्म अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो संसार में बंधन होगा। तो इसलिए ऋषभदेव जी कह रहे हैं मत कर्म भीर। अगला मत कथाय च नित्यम। भगवान की कथाएं हमें नित्य सुननी चाहिए। ये तो भागवत में पहले भी बताया था, नित्यम भागवत सेवया। हमेशा हर एक दिन हमें भागवत कथा सुननी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं साल में एक बार 7 दिन की कुछ भागवत सप्ताह सुन ली तो हमारा काम बन जाएगा, बाकी के दिन हम अपने अलग अलग दिनचर्या में लगे रहते हैं। लेकिन भागवतम में कहा है भागवत केवल 1 सप्ताह के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, 1 सप्ताह के लिए नहीं सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, हमें रोज भागवत का पठन श्रवण करना चाहिए। और किनसे करना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों से नहीं, जिन्होंने भागवत कथा को धंधा बना लिया है उनसे नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। आगे कहते हैं मद देव संगात, जिन्होंने मुझे अपना लक्ष्य माना है। मद देवा, जो कहते हैं कि भाई मेरे भगवान तो केवल कृष्ण है, विष्णु है। मत देवा संगात, उनका संग करना है। इसको ही सत्संग कहते हैं। सत्संग का मतलब है जो व्यक्ति सत्य के पीछे है उसका संग करना। गुणा कीर्तनान में, और न केवल भागवत श्रवण करना है, श्रवण करने के बाद में गुणा कीर्तनान में भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का वर्णन भी करना है, उसका कीर्तन भी करना है। श्रवण तो करना ही है, श्रवणम करने के बाद में लोगों को भी बताना है भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। अगला वो कहते हैं निर्वैरा, हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए किसी भी जीव से वैर नहीं रखना है। वैर का मतलब होता है एनवियसनेस। एक प्रकार से हम लोग दुश्मन सोचते हैं, किसी को अपना दोस्त सोचते हैं, किसी को अपना दुश्मन सोचते हैं। लेकिन भागवतम में कहा है अगर आप आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें समझना चाहिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई वैरी नहीं है। नहीं तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई मनुष्य लोगों की तो मैं रक्षा करूंगा लेकिन जानवरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानवरों को कत्ल खाने भेज सकते हैं। मतलब क्या है, हम उनसे वैर कर रहे हैं। तो ये भी जो है ऋषभदेव जी कह रहे हैं। साम्या का मतलब है आध्यात्मिक दृष्टि से सभी को समान देखना है। पंडिता समदर्शिना भगवद्गीता में जैसे भगवान बताते हैं, पंडित जो है क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से सबको बराबर देखता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये मनुष्य योनि में है और ये जानवर है। वो समझता है कि ये तो बाहरी वस्त्र मात्र है, अंदर तो आत्मा है जिसमें समान गुण है। तो सम्या उपशमेना, उपशमेना का मतलब होता है कि जो हमारा गुस्सा होता है, क्रोध होता है और जो हमारा शोक होता है। भौतिक संसार में हम क्रोधित होते हैं और हम विलाप करते हैं। इन सभी से आध्यात्मिक व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है, इन सब से उसका छुटकारा है। तो क्रोध भी नहीं करता है और शोक और विलाप भी नहीं करता है। जिहासया देह गेहात्म बुद्धे है। जिहासया का मतलब एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। किसको छोड़ना चाहता हूँ, कौन सी इच्छा को हमें छोड़ना है। देह गेहात्मा बुद्धे, ये जो हमारी बुद्धि जिसके द्वारा हम लोग ये सोचते हैं ये घर मेरा है, गेहा, और देहा, ये देह मेरी है, ये शरीर मेरा है। तो मैं और मेरा, इस प्रकार की बुद्धि को हमें त्यागना है। तो इसके द्वारा क्या होगा, वो कहते हैं हम, हमारी जो हृदय की ग्रंथि है वो धीरे धीरे खुल जाएगी, हम भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे और हम भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। तो अगली शिक्षा में और आगे भी बताते हैं और हमें क्या करना चाहिए। अध्यात्म योगेना, अध्यात्म अध्ययन करना, नित्य हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का योग है जिसके द्वारा हम भगवान से धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जो शास्त्रों में दिया है, तो कह रहे हैं जो शास्त्र हैं उनको हमें नित्य पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। विविक्त सेवया, विविक्त सेवया का मतलब होता है ऐसे स्थान पर हमें वास करना चाहिए जहाँ पर बहुत ये जो आम लोग होते हैं, आम लोग का मतलब क्या होता है, जिनकी केवल विचारधारा भौतिक सुखों में है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में है, उनसे, जनसंघ से थोड़ा दूर रहना है। अगर हम जनसंघ लोगों के साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन भी भौतिकतावाद की तरफ चलेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, असत संग त्यागा, असत लोगों का संग का त्याग करना है। पहले जो साधुगण लोग हैं ये सब असत संग को छोड़ करके एक अलग जगह पर जा करके, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ऐसी ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ऐसी जगह पर जहाँ पर आम जन लोग नहीं हैं, जहाँ पर लोग भक्त लोग भगवान की सेवा में तपस्या में लगे हैं, उस जगह पर जा करके जो पवित्र स्थान है उस स्थान पर जा करके भगवान की भक्ति में लगना है। और क्या है, प्राण इंद्रिया आत्मा अभिजयेन सद्रक। सद्रक का मतलब होता है पूर्ण रूप से। अभिजयेन, जया, जया का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। किनके ऊपर विजय प्राप्त करना? हमारे प्राणों के ऊपर नियंत्रण करना, इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर। प्राण इंद्रिया मन, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब इंद्रिया मन ये सब हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। ये हमारे मन को खींच करके, आंखें यहाँ पर खींच रही हैं, कान कहीं पर खींच रहे हैं, इंद्रियों के कंट्रोल में हमें नहीं आना है। हमें अपने मन को और इंद्रियों को काबू में रखना है। ये आध्यात्मिकता में बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे कहते हैं सत श्रद्धया, हमें शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति के मार्ग के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य न शाश्वत, शाश्वत मतलब हमेशा, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तब हमारे मन में आएगा कि भाई मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करूँ। तो वेदों के अनुसार क्या है, अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ आश्रम के नियमों के पालन के अनुसार अपनी पत्नी का संग करता है पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो इसलिए इस प्रकार से हमें हमेशा ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में वो बताते हैं धर्म अविरुद्धो कामो अस्मि भरतर्षभा, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम हे अर्जुन मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी, गृहस्थ जीवन के आश्रम के अगर हम नियमों का पालन करते हैं और संतान प्राप्ति मात्र के लिए स्त्री का संग करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहे हैं। आगे कहते हैं असंप्रमादेन यमेन वाचम। असंप्रमादेन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ करके मैं जंगल में चले जाऊं। प्रमत्ता नहीं होना है। ये प्रमत्तापन को छोड़ करके अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के नियमों का पालन करना है, वैश्य है, शूद्र है, जो भी है, हमें अपने अपने नियमों का, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। यमेन वाचम, और बेकार की, फालतू की, फिजूल बातों में लगने को छोड़ना है। नहीं तो हम लोग क्या है, कहीं पर भी बैठ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, ग्राम्य वार्ता करते हैं, उससे हमारी भक्ति में अवरोध आएगा। अपनी अगली शिक्षा में वो कहते हैं सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेना। ये भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं मन मना भाव, मतलब हमेशा भगवान के बारे में ही विचार करना है मन के द्वारा। मन क्या करता है, विचार करता है। अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, और विचार कैसे आते हैं, जैसा आप श्रवण करेंगे, जैसा आप मन के अंदर में भरेंगे। आँखों से आप जो देखेंगे वही मन में आएगा, कानों से जो सुनोगे वही मन में आएगा। तो आँखों से, कानों से अगर हम केवल आध्यात्मिक चीज़ों का, उनको ग्रहण करेंगे, कानों के द्वारा भागवत कथा का श्रवण, आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन मंदिर में जाकर के, तब क्या होगा, हमेशा हम अपने मन में भगवान को रख पाएंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वत्र मद भाव विचक्षणेना, हमेशा भगवान को अपने मन में रखना। ज्ञानेन विज्ञान विराजितेना, और सही स्थान से ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमेशा बताया ज्ञान विज्ञान, केवल ये जो ज्ञानी लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों के द्वारा और अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, जो ज्ञान वो अर्जित करते हैं वो केवल मनोज्ञान होता है। शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करना है, मन के द्वारा ज्ञान नहीं अर्जित करना है कि भाई ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। शास्त्रों में जो दिया है उसके द्वारा ज्ञान अर्जित करना है। तो ज्ञानेन विज्ञानेन, ये जो भगवत ज्ञान है वो केवल ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान भी है। ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान का मतलब होता है थ्योरी, विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो ये ज्ञान केवल हमारे मन में मात्र नहीं रहता है, हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, सब में प्रकट होता है। ये विज्ञान का मतलब होता है। योगेन धृति उद्यमा सत्वयुक्तो, मतलब हमें भक्ति का प्रयास करना है। योगेन मतलब भक्ति योग का कैसे प्रयास करना है, धृति बहुत ही धैर्य के साथ में, उद्यमा उत्साह के साथ में, फिर सत्वयुक्तो और विवेक के साथ में। क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कहते हैं सत्वयुक्तो, विवेक के साथ में कार्य करना है। ये सब करने से क्या होगा, लिंगम व्यपोहेता, ये जो शरीर है उसको लिंगम कहते हैं, इस शरीर के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। कुशलो, और हमारा जीवन कुशल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। अहम आख्यम, और ये जो अहम का है, मैं और मेरा है, मैं शरीर, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, ये जो अहंकार है इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अहंकार से छुटकारा मिल गया तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान ऋषभदेव दे रहे हैं, और आगे वो क्या शिक्षा देते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।